कौन है नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जानिए हापुड़ हलचल न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। भारत के राष्ट्रपति ने भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि राजीव कुमार 15 मई 2022 से मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालेंगे। राजीव कुमार जो है सुशील चंद्रा की जगह लेंगे, जिन्होंने साल 2022 में पिछले 5 राज्य विधानसभा चुनाव कराए थे। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर बताया कि संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 के अनुसरण में राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को 15 मई 2022 से मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हुए वो प्रसन्न हैं और राजीव कुमार को उनकी ओर से शुभकामनाएं। बता दें कि राजीव कुमार 1 सितंबर 2022 को चुनाव आयुक्त के रूप में भारत के चुनाव आयोग में शामिल हुए थे। चुनाव आयोग में कार्यभार संभालने से पहले राजीव कुमार लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष थे और राजीव कुमार अप्रैल 2020 में अध्यक्ष PESB के रूप में शामिल हुए थे। राजीव कुमार जो है बिहार झारखंड कैडर के 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी हैं, जो फरवरी साल 2020 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। राजीव कुमार ने भारतीय रिजर्व बैंक SBI नाबार्ड के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में भी काम किया है। बता दें कि राजीव कुमार आर्थिक खुफिया परिषद EIC के सदस्य, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी FSDC के सदस्य भी रहे हैं और इसके अलावा बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी BBB के सदस्य और ऐसे अन्य कई बोर्डों और समितियों के बीच वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति FSRSC के भी वो सदस्य रहे हैं। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी है। 15 मई 2022 से भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार होंगे। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार।